कि जिस प्रकार के बयान शिवसेना की ओर से हमारे नेताओं के बारे में दिए गए हैं, उससे हम बहुत ज्यादा आहत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार के बयान पिछले 5 वर्षों में और पिछले 15 दिनों में शिवसेना की ओर से हमारे नेताओं के बारे में दिए गए हैं, उससे हम बहुत ज्यादा आहत है। शिवसेना के नेता आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे जी, इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धा है। कभी भी हम साथ लड़े या अलग लड़े, हम में से किसी ने भी उनके बारे में कोई भी गलत बयान नहीं दिया और नहीं हम कभी दे सकते हैं। इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी भी उद्धव जी के बारे में भी कोई गलत बयान नहीं दिया गया। यहां तक कि जिस समय 2014 में हम अलग लड़े, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली सभा में यह कह दिया कि मैं बाळासाहेब जी के बारे में, उद्धव जी के बारे में या शिवसेना के बारे में कोई बयान नहीं दूंगा, और उन्होंने कभी भी बयान नहीं दिया। किंतु जिस प्रकार से शिवसेना के नेताओं ने लगातार मोदी जी पर हमला बोला, जिन शब्दों में हमला बोला, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे विरोधियों ने भी उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में कभी नहीं किया। और एक बार हम ये समझ भी सकते हैं कि विरोधी पक्ष में बैठकर कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करे, बयानबाजी करे, तो ये राजनीति में हो जाता है। लेकिन जिस पार्टी के साथ देश में आप सरकार चलाते हो, प्रदेश में सरकार चलाते हो, जिसका नेतृत्व मान्य करते हो, जिनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारते हो, उन्हीं के बारे में इस प्रकार के ओछे बयान करना, ये बिल्कुल गलत बात है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम सभी आज देख रहे हैं न्यूज़ एंड न्यूज़।